हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बोस्टर पिछली वीडियो में हमने नाइन यूज पढ़ लिए थे हमने पहले पार्ट में हैड बेटर तक पढ़ा था और उसके बाद हमने दूसरे पार्ट में कैन कुड मे माइट हैज टू हैव टू हैड टू विल हैव टू और हैज एज अ मेन वर्ब तक पढ़ा था तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टिव देअर इंट्रोडक्टिव इट कंडीशनल सेंटेंस और अगर समय बचता है तो कॉजिटिव वर्ब तक पढ़ेंगे और उसके बाद एक लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे देखिए इंट्रोडक्टिव देयर जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी जब कहीं किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाए कहीं पे जब किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाता है तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका इंट्रोडक्टिव देयर का अब जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कुएं में पानी है अब पानी का होना या न होना बताया जा रहा है कहाँ पे कुएं में तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग करेंगे कुएं में कितना पानी है मेरे स्कूल में 500 छात्र हैं अब देखिए यहाँ पे स्कूल में छात्रों का होना या न होना पाया जाएगा तो वहाँ भी हम इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग करेंगे तो चलिए हम इसको पहले बनाते हैं कुएं में पानी है तो आप इसे इस प्रकार से बनाएंगे देयर इज वाटर इन द वेल उसके बाद क्या है कुएं में कितना पानी है हाउ मच वाटर हाउ मच वाटर इज देयर इन द वेल हाउ मच वाटर इज देअर इन द वेल उसके बाद मेरे स्कूल में पांच सौ छात्र हैं तो इसे हम बनाएंगे देयर आर फाइव थाउजेंड सॉरी फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स इन माय स्कूल देर आर फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स इन माय स्कूल इसे आप इस प्रकार से बनाएंगे देखिए यहां पे हमने इच का प्रयोग किया क्योंकि यहां पे जो पानी हमारा आया था ये पानी ना ही हम इसको सिंगुलर कह सकते हैं ना ही प्लूरल कह सकते हैं लेकिन इसको हम मानते हैं कि ये क्या होगा सिंगुलर के रूप में यूज होगा इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ पे मेरे स्कूल में 500 छात्र हैं 500 छात्र हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे कुएँ में पानी नहीं है अब इसको हम कैसे बनाएंगे देयर इज़ नो वाटर In the well, there is no water in the well. क्या कुएं में पानी है तो इसका हम कैसे बनाएंगे Is there water in the well? तो अब कुछ इसके एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे ही आपके सामने कोई दूसरे क्वेश्चन uh, आएंगे आप उसे सिंपली कर लेंगे यहां से आपको एक पैटर्न पकड़ना है जिससे आपको दूसरे सेंटेंस जब आपके सामने आए तो उन्हें बनाने में आपको थोड़ा आसानी हो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्टी इट का प्रयोग कहां पे होता है इसका प्रयोग समय दिन महीना तथा मौसम आदि के लिए किया जाता है जैसे यहां पे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि पांच बजा है तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे इट इज फाइव फाइव ओ क्लॉक इट इज फाइव ओ क्लॉक उसके बाद आज जुमा है तो इट वाज इट वाज सॉरी यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट में है तो यहां पे हम यूज करेंगे एज का इट इज फ्राइडे टुडे इट इज फ्राइडे टुडे जून था अब यहां पे पास्ट हो गया तो यहां पे हम क्या आवाज लगाएंगे इट वाज जून आज बहुत गर्मी है इट इज वेरी हॉट टुडे इट इज वेरी हॉट today. सन 2011 था इट वॉज टू थाउजेंड आज वर्षा हो सकती है इट मे रैन today. इट मे रैन today. पीछे हमने मे का यूज पढ़ा है और यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे इट का प्रयोग किस प्रकार से इसमें किया जाता है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आशा करते हैं आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी अब एक बार इसको आप फिर से देख लीजिएगा यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अब हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे यदि शर्त फ्यूचर में हो तो शर्त वाला भाग प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है तथा दूसरा भाग प्राय फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है पहले तो हम समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कंडीशन का मतलब होता है शर्त जिस सेंटेंस में आपको शर्त महसूस हो वहाँ पे हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे जैसे यदि वह आएगा अब ये शर्त है यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। अब यहाँ से यदि वह अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा यदि वह अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा ये शर्त है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा तो शर्त वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे यदि से अगर आपको सेंटेंस में यदि दिखे तो वहाँ पे आप समझेंगे कि वो कंडीशनल सेंटेंस है अब देखिए यहाँ पे यदि शर्त फ्यूचर में हो तो तो ये हमारा जो दोनों शर्तें दी गई हैं ये क्या है फ्यूचर में है देखिए लास्ट में क्या आया गा और गा तो यदि शर्त फ्यूचर में हो तो शर्त वाला भाग प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं जो शर्त वाला भाग होता है उसको हम किस में बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे तथा दूसरा भाग फ्यूचर इंडिफिनिट में बताए बनाएंगे और सेकेंड वाला पार्ट हम किस में बनाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाएंगे ऐसे आप याद रखिएगा तो अब इसमें आपको समझना होगा कि कौन सा भाग जो है वो शर्त वाला भाग है और कौन सा भाग है जिसमें शर्त नहीं है तो यहां से देखिए यदि वह आएगा ये इतना पार्ट जो हमारा आता है ये शर्त वाला भाग है यदि वह आएगा तो ये हमारा शर्त वाला भाग हो गया तो इस शर्त वाले भाग को हमें किसमें बनाना है प्रेजेंट इन में तो हम पहले इसको बना लेते हैं तो यहां से हम क्या लिखेंगे पहले तो यदि का हम लिख लेंगे इफ अब उसके बाद इसे हम वह आएगा ही कम्स तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमें बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में हम यस या ये ये लगा देते हैं तो यहां पे हमने यस लगा दिया तो ये क्या हो गया हमारा इफ ही कम्स अब यहां पे आपको क्या लगाना है कामा लगाना है ठीक है अब जो दूसरा वाला पार्ट बचता है उसको हमें फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाना है तो दूसरा पार्ट क्या बचता है मैं उसके साथ जाऊंगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा आई विल गो विथ हिम आई विल गो विथ हिम अब यहां पे आप विल जो लिखा है यहां पे आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है लेकिन हम लोग यहां पे विल का ही प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अब मैक्सिमम जगह विल का ही प्रयोग किया जा रहा है आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग भी आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे लेकिन आपको इसे याद रखना है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है अब दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं यदि वह अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा अब देखिए इसमें शर्त वाला भाग कहाँ से कहाँ तक है यहाँ से यहां तक ये यह हमारा शर्त वाला भाग है यदि वह अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा तो पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो इफ के लिए आ, यदि के लिए हम क्या लगाएंगे इफ वह अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा ही चाहने का हो जाएगा वांट और इसमें यस या यस लगाएंगे तो यहां पे हम क्या लगाएंगे यस लगाएंगे इफ ही वांट्स टू रीड इंग्लिस इफ ही वांट्स टू रीड इंग्लिश यदि वह अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लगाना है कामा और जो शर्त के अलावा जो दूसरा भाग बचा उसे हमें फ्यूचर इंडिफिनेट में बनाना है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा तो आई विल या आई सेल टीच हिम आई सेल टीच हिम या यहां पे हम कह सकते हैं कि आई विल टीच हिम दोनों का यूज कर सकते हैं तो ये तो बात हुई कि यदि शर्त वाला भाग फ्यूचर में हो तब हम उस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे अब हम देखेंगे कि यदि शर्त वाला भाग जो है वो पास्ट में हो तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे यदि शर्त वाला भाग जो है पास्ट में हो तो शर्त वाला भाग पास्ट परफेक्ट में होता है तथा दूसरा भाग उड हैब का प्रयोग किया जाता है मतलब क्या है इसका कि जो शर्त वाला भाग होगा वो किसमें होगा पास्ट परफेक्ट में होगा जिसमें शर्त हमको दिखेगी उस वाक्य को हम किसमें बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो दूसरा वाला भाग होगा वहां पे हम यूज करेंगे उड हैब का उड हैब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से आप सेंटेंस पढ़िए देखिए क्या लिखा है यदि वो यहाँ आया होता तो मैं उससे मिला होता वो का यहाँ मतलब हो जाएगा कि वह यदि वह यहाँ आया होता तो मैं उससे मिला होता तो ये हमारा जो सेंटेंस बना ये किसमें बना है पास्ट पास्ट में बना है तो अब यहाँ से हमें देखना है शर्त वाला भाग यदि वो यहाँ आया होता इतना वाला इतना जो पार्ट है हमारा ये में है इतने पार्ट को हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में इसका कारण क्या है क्योंकि इतना पार्ट जो है वो शर्त वाला भाग है तो जो शर्त वाला भाग रहेगा उसे हमें किस में बनाना है पास्ट परफेक्ट में बनाना है और दूसरे पार्ट में उड हैव का प्रयोग करना है तो चलिए पहले हम लोग इतना बना लेते हैं इफ ही अब देखिए पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग होता है? हैड का इफ ही हैड कम और यहां का हो जाएगा हीयर इफ वी हैड कम हियर अब यहां पर हम क्या लगाएंगे कामा और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में हमें किसका प्रयोग करना है वुड हैव का और इसमें आपको एक चीज और याद रखना है दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमें क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है तो मैं उससे मिला होता तो मैं का हो जाएगा आई ब would, have, would have का हमने यूज कर लिया उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मिलना का क्या हो जाएगा मीट और मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेट और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बच गया तो यहां पे हम लिख लेंगे हिम तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव मीट हिम आई वुड हैव मीट हिम अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं हम दूसरा जो वाक्य है उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं यदि वर्षा नहीं हुई होती तो हम सब क्रिकेट खेले होते तो इसमें शर्त वाला भाग क्या है हमारा यदि वर्षा नहीं हुई होती और जो दूसरा पार्ट हमारा है यहाँ से है हम सब क्रिकेट खेले होते अब इतना सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पहले सबसे देखना है कि सेंटेंस फ्यूचर में है या पास्ट में है तो खेले होते इससे हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस जो हमारा है वो पास्ट में है तो हम क्या करेंगे पहले जो शर्त वाला भाग है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको बनाएंगे उड हैव का यूज करके तो पहले हम इसको बनाते हैं यदि यदि के लिए हम यूज कर लेंगे इफ का उसके बाद वर्षा नहीं हुई होती तो यहां से हम लिख लेंगे इट हैड Not रैंड अब इतना हो जाने के बाद हम यहां पे कामा लगाएंगे और कामा के बाद हम किसका यूज करेंगे दूसरे पार्ट में उड हैब का तो यहां से हम लिखेंगे वी would have प्लेड क्रिकेट यहां पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बन गया इफ इट हैड नॉट रैंड वी वुड हैव प्लेड क्रिकेट यदि वर्षा नहीं हुई होती तो हम सब क्रिकेट खेले होते तो आशा करते हैं आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी अभी इस कंडीशनल सेंटेंस में एक और बसता है उसे भी देख लेते हैं अब यहां से देखिए कि यदि वाक्य में कल्पना हो यदि वाक्य में कल्पना हो तो इफ इफ के साथ वर या हैड का प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे भाग में उड का प्रयोग किया जाता है अब यहाँ से इफ का मतलब क्या है कि जो शर्त वाला भाग होगा जो शर्त वाला भाग होगा वहां पे हम दो चीजों का यूज करेंगे या तो हम वर का यूज करेंगे या फिर हैड का यूज करेंगे दोनों का यूज कर सकते हैं चाहे हम वर लगाएं चाहे हम हैड लगाए और उसके बाद जो दूसरा पार्ट बचता है उस दूसरे पार्ट में हम उड़ का यूज करेंगे तो आप ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे अब देखिए सेंटेंस में आप कल्पना को पहचानेंगे कैसे जैसे यहां पे सेंटेंस लिखा है कि यदि मैं धनी होता ये एक कल्पना है कि यदि मैं धनी होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता या उसके नीचे वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता तो यहां भी ये कल्पना की जा रही है कि यदि मैं चिड़िया होता तो इस प्रकार से आप सेंटेंसों में पहचान सकते हैं कि कल्पना की कल्पना की जा रही है या कुछ और है इसमें तो यहां से अब हम देखते हैं पहला और इसको ट्रांसलेट करते हैं यदि मैं धनी होता तो ये वाला जो इतना पार्ट है हमारा ये किसमें है ये हमारा है शर्त वाला भाग या कल्पना वाला भाग या यहां पे हमने जहां पे शर्त लिखा है यहां पे आप कल्पना लिख लीजिएगा कि ये कल्पना वाला जो भाग होगा वहां पे हम क्या करेंगे वर या हेड का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे उड का प्रयोग करेंगे और उड के साथ हमें किसका यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ठीक है अब चलिए इसको बनाते हैं यदि मैं धनी व्यक्ति होता तो इफ आई अब आई के बाद आप किसका यूज कर सकते हैं या तो आप वर लगा लीजिए या तो हेड लगा लीजिए तो हेड लगाएंगे या वर लगाएंगे तो हम यहां पे क्या यूज करते हैं हेड और इसके बाद क्या आएगा अ रिच मैन धनी व्यक्ति इफ आई हैड अ रिच मैन रिच मैन उसके बाद हम क्या लगा लेंगे कामा और मैं तुम्हारी सहायता करता आई वुड यू इफ आई हैड रिच मैन आई वुड हेल्प यू तो यहां पे देखिए आई यहीं पे एक ऐसे जगह पे आता है कि जहां पे हम हैड जो यूज कर रहे हैं यहां पे हम क्या लगा सकते हैं वर लगा सकते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जगह आई का जो यूज आई के साथ जो यूज होता है वो वाज का यूज होता है लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वर भी लग सकता है जैसे अगर यहां पे हम, हम लोग वर लगाते हैं तो क्या सेंटेंस बनता इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता तो यहां से हम पहले इसको बनाएंगे इफ आई वर अ बर्ड इफ आई वर अ बर्ड अब कामा लगाएंगे तो मैं आकाश में उड़ता तो यहां से हम देखेंगे आई उड फ्लाई इन द स्काई तो यह सेंटेंस हमारा क्या बना इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई और यहां पे आप जहां पे वर लगाए हैं यहां पे आप हेड का भी यूज कर सकते हैं तो यहां पे हमें तीन पॉइंट याद रखना है अपने कंडीशनल सेंटेंस में पहला हमारा क्या था कि यदि वाक्य किस में हो फ्यूचर में हो यदि शर्त फ्यूचर में हो तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे यदि वो पास्ट में हो तब उसे किस प्रकार से बनाएंगे और यदि वो उस सेंटेंस में कल्पना की गई हो तब उसे किस प्रकार से बनाएंगे अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब वर्ब की वर्ब क्या होता है तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं न कार्य करे बल्कि किसी अन्य से कोई कार्य करवाए या किसी कार्य के होने का कारण बन जाए तो उसी को हम कहते हैं कॉजिटिव वर्ब यहां से आप पढ़ सकते हैं कॉजिटिव वर्ब का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करे बल्कि किसी अन्य से कोई कार्य करवाए या किसी कार्य के होने का कारण बने वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे कॉजिटिव वर्ब का और ये जो कॉजिटिव वर्ब होते हैं यहां से आप देख सकते हैं मेक कॉज गेट हैब ये जो होता है ये पॉजिटिव वर्ब होते हैं तो यहां से आप इसको याद रखेंगे कि मेक कॉज गेट और हैब ये चारों हमारे क्या हैं पॉजिटिव वर्ब हैं अब देखिए मेक या कॉज का प्रयोग उस समय किया जाता है जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करे बल्कि किसी कार्य के होने का कारण बने अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करे लेकिन उस कार्य के होने का कारण बने तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे मेक या कॉज का प्रयोग करेंगे अब जैसे आप यहां देख सकते हैं उसने मुझे रुलाया अब देखिए इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा उसने मुझे रुलाया कौन रुलाया उसने रुलाया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया अब रुलाना यहां पे जो क्रिया है जो कार्य हो रहा है रोने का हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट स्वयं नहीं रो रहा है लेकिन किसी दूसरे को रुलाने का कारण बन रहा है जैसे उसने मुझे रुलाया अब जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे है और रुलाने वाला जो कार्य हो रहा है वो कोई दूसरा रो रहा है तो यहां पे सब्जेक्ट जो है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे के कार्य के होने का कारण बन रहा है मतलब दूसरे को क्या कर रहा है रुला रहा है तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि यहां पे क्या हमारा है? होगा पॉजिटिव वर्ब होगा इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को पहचानना होगा अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे पहले इसका दूसरा रूल भी देख देख लेते हैं कि कहाँ पे हम गेट का और कहाँ पे हैब का प्रयोग करेंगे देखिए गेट या हैब का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करे बल्कि कोई कार्य करवाए बल्कि ये दूसरे से जब कार्य करवाए वहां पे हम गेट या हैब का प्रयोग करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा है कि मैंने कल एक पत्र लिखवाया अब मैंने स्वयं पत्र नहीं लिखा किसी दूसरे से लिखवाया तो यहाँ पे मैं स्वयं कार्य नहीं कर रहा हूँ किसी और से कार्य करवा रहा हूं तो यहां पे हमको समझना होगा कि यहां पे यूज होगा कॉजिटिव वर्ब का और इससे पहले वाला हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था उसने मुझे रुलाया तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो सब्जेक्ट है कार्य के होने का कारण बन रहा है ठीक है कार्य को करवा नहीं रहा है होने का बस कारण बन रहा है तो जब केवल कारण बनेगा तो वहां पर हम यूज करेंगे मेक या कॉज का लेकिन अगर कार्य को दूसरे से करवाए तो उस टाइम हम वहां पे यूज करेंगे गेट या हैप का अब दोनों सेंटेंसों को पढ़ के समझ सकते हैं कि यहां पे क्या किया जा रहा है मैंने कल एक पत्र लिखवाया मैंने स्वयं वो कार्य नहीं किया बल्कि उस कार्य को किसी और से करवाया तो लिखवाया मतलब पत्र हमने दूसरे से किसी से लिखवाया और यहां पे क्या है उसने मुझे रुलाया अब जो रुलाने का कारण बन रहा है कौन बन रहा है यहाँ पे वह बन रहा है ठीक है लेकिन रो कौन रहा है कोई दूसरा रो रहा है तो यहाँ पे ये केवल कारण बन रहा है लेकिन यहाँ पे कार्य को कराया जा रहा है अब हम आते हैं अपने पहले पे और पहले को ट्रांसलेट करते हैं देखिए उसने मुझे रुलाया यहाँ पे हमने रूल इसका लिखा है आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मेक कॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव और उसके बाद अदर तो पहले तो आप यहाँ समझ जाइए कौन सा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट है तो इसे हम पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे ठीक है पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया ही और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे तो मेक हमारा क्या होगा वर्ब होगा लेकिन इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम तो ही मेड सेकेंड फॉर्म हो गया उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हमारा तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी और उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा इन्फिनेटिव इंफिनेटिव क्या है किसी भी वर्ब के पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बनाया जाता है तो रुलाना बचा है हमारा तो इसके पहले हम टू लगाएंगे और ये हो जाएगा विप तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया ही मेड मी सॉरी मेड मी टू विप अब इसे आप कॉज का प्रयोग करके भी बना सकते हैं जैसे यहां पे हम लिखते हैं ही और यहां पे कॉज्ड मी टू विप तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं एक यहां से दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं इसको बनाते हैं देखिए उसने मुझे दौड़ाया तो यहां से हम क्या बनाएंगे ही कॉज्ड मी टू रन उसने मुझे दौड़ाया यहाँ पे भी आप कैसे इसको समझोगे कि देखिए यहाँ पे भी जो दौड़ने का काम हो रहा है वो स्वयं सब्जेक्ट नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन किसी के दौड़ने का कारण बन रहा है यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ठीक है तो जब ये कारण बन रहा है तो उस टाइम हम इसमें किसका यूज करेंगे कॉस्ट कॉस्ट का यूज करेंगे या मेक का यूज करेंगे अब यहाँ से हम इसको देखते हैं कि मैंने कल एक पत्र लिखवाया यहाँ से आप साफ साफ इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो स्वयं सब्जेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन इस कार्य को किसी और से करवा रहा है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे गेट या हैब का प्रयोग करेंगे तो मैंने कल एक पत्र लिखवाया ये हमारा सेंटेंस किसमें है पास्ट में तो हम जो यहाँ पे गेट और हैब लिखे हैं जब ये पास्ट में सेंटेंस रहेगा तो गेट का क्या हो जाएगा गॉट और हैव का हो जाएगा हैड तो यहां से हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे मैंने कल एक पत्र लिखवाया आई गॉट लेटर रिटेन आई गॉट अ लेटर रिटेन और बच गया हमारा कल तो कल के लिए हम किसका यूज करेंगे स्टर्डे इस प्रकार आप इस सेंटेंस को बनाएंगे आई गॉट अ लेटर रिटन स्टरडे अब यहाँ पे जो गॉट लिखा है इसके जगह हम किसका यूज कर सकते हैं हैड का भी यूज कर सकते हैं अर्थात जो हैब है इसकी सेकेंड फॉर्म हैड का भी यूज कर सकते हैं तो ये हमारा तब क्या बनेगा आई हैड अ लेटर रिटन स्टे अब यहां से एक सेंटेंस और लेते हैं ये क्या है हमारा उसने कल अपना होमवर्क लिखवाया उसने कल अपना होमवर्क लिखवाया अब इसे कैसे बनाएंगे उसने का क्या हो जाएगा ही ही गॉट अपना होमवर्क हिज होमवर्क होमवर्क He got his homework written. Written, yesterday ठीक है आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे यहां से आप एक बार थोड़ा सा रूल देख लीजिए रूल को भी बढ़िया समझ लीजिए सब्जेक्ट गेट है उसके बाद ऑब्जेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां से जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं यहां से हम अपने इस रूल के यहाँ इस वाले पार्ट से हम इसको यूज कर रहे हैं उसके बाद लास्ट में जो हमारा बचता है अदर तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे अब एक सेंटेंस और लेते हैं इसमें और इसको फिर से समझते हैं देखिए यहाँ पे लिखा है उसने कल अपना बाल कटवा लिया तो यहाँ पे जो बाल काटने की बात हो रही है ये इस सेंटेंस में कार्य किया जा रहा है और ये कार्य स्वयं सब्जेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से करवा रहा है तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे गेट का या फिर हैब का तो उसने कल अपना बाल कटवा लिया तो ही गॉट हिज हेयर कट ही गॉट हिज हेयर कट अब यहां से देखिए जो कट होता है कट की जो फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म होती है तीनों एक ही होती है कट कट और कट तो यहां पे हमने थर्ड फॉर्म लिखी है ही गॉट हिज हेयर कट और कल बच गया हमारा तो कल के लिए हम स्टरडे का यूज कर देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया ही गॉट हिज हेयर कट स्टरडे तो आशा करते हैं आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और फिर से समझने का प्रयास करिए तो अब हमने पढ़ लिया कॉज़ीटिव वर्ब तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया अब बचता है हमारा तीन ये टॉपिक जिसको हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे और वही हमारे यूज़ की लास्ट वीडियो होगी तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं धन्यवाद